Salam YouTube family, here I am with another YouTube video. This is me, Afid Husseini. Welcome to my channel. आज अली मेरे साथ है और अली से कुछ बातें करूंगा खास खास. अली है, मेरा सवाल ये है कि वो जो इंसानी नुमा कुत्ता है, अच्छा, वो जिसने खुद को कुत्ता बना लिया है, उसकी क्या कंडीशन है और क्या वजह है कि उसने खुद को कुत्ता बनाया, पीछे स्टोरी क्या है इसकी? यार जो आपको सोशल मीडिया से पता है वो तो बताओ. वो तो सबको पता है कि उस इब्लीस ने खुद से कुत्ता बना दिया और तकरीबन $20,000 खुद के खर्चे की, जो पाकिस्तानी 50 लाख रुपए लगभग बनते हैं, और तकरीबन वो अब कुत्ता ही है. तो क्या उसने अपने बोलने की एसपी ख़त्म कर दी? बोलने का तो मुझे नहीं पता, जितनी वीडियो मैंने देखी है तो वो गले में उसका भी पट्टा भी है, उसके पूरे वजूद पे बाल भी हैं. तकरीबन वो कह रहे हैं जापान वाले के कुत्ते जब इसके करीब जाते हैं तो इसे सूंघ कर वापस जाते हैं, मगर है ये तकरीबन कुत्ता ही है. तो ओबियसली जब कुत्ता बन गया तो जबान भी उन्होंने कम की होगी या काटी होगी या कोई तरीका किया होगा. अब कुत्तों की तरह भोंकेगा ही, मतलब अब कुत्ता है तो बोलेगा क्या, भोंकेगा? हाँ भोंकेगा. वो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसे कुत्ते पसंद थे, तो इस बदबख्त इंसान ने खुद को ही कुत्ता बना दिया. वो कहते हैं कि औरतों के चक्कर में पड़ोगे तो कुत्ते बनोगे. इससे साबित ही होगी, तजर्बे से साबित हो गया. तो ये बात है. तो अगर ये इस तरह गली में जाए और हमें से पीछे से गए, ओए कुत्ते, कौन सी गली में, गली नंबर 1 या, तो इसे बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, वो कहे कुत्ता ना को टोमी कहो. ओहो, हमारा कुत्ता तो हमारे पास है टोमी. हाँ, कुत्ते तो हमारे पास, उनके पास टोमी होता है. हमारे पास तो सारे लुगड़ है ना, जो इधर सड़क पे फिरते रहते हैं. वो लुगड़ नहीं है, वो बेरोजगार है. अब ये जो कुत्ता बना है, अच्छा, हम लेटे भी उल्टे हैं, अल्लाह खैर करे. ये हम लोग उल्टे आए, आज एक अनोखा अंदाज है. अब वो कुत्ता बन सकते हैं तो हम उल्टा लेट के वीडियो नहीं बना सकते? मतलब उसमें और हम में बहुत सा फर्क है यार. एक इंसान ने खुद को कुत्ता बनाया. वैसे मैं उस दिन मेरे एक दोस्त से बात हुई, उसने कहा यह कोई पहला केस नहीं है. अच्छा, कहते ये लोगों की साइकी प्रॉब्लम है और इससे पहले भी ये वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं. वो बता रहा था किसी औरत के बारे में. अच्छा, कोई औरत ही, उसने वो बिल्ली की आंखें डाली हैं, कान लगाए हैं, वो भी पूरा सिस्टम. इस पर मैं सर्च करूंगा, इस पर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा यार. अगर इनको इससे मिलता क्या है जब ये खुद को ये जानवर बना देते हैं? यार ये साई की प्रॉब्लम होती है ऐसी, है ना, नफ्सी, जैसे हम नफ्सियाती प्रॉब्लम नहीं कहते. लेकिन ये तो देखे अवीज भाई, हर मजहब के लोगों में होते हैं, हम मुसलमानों में भी ये इस तरह का सिस्टम है. ये साई की तो एक ही, अगर मरीज हो तो मरीज होते नहीं देखते मरज के ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है या जो भी है. जब वो खुद को कुत्ता बना सकता है, ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हैं वो साई का मसला है, तो अगर एक मुसलमान इस तरह का साई की मसले का शिकार हो गया. यार असल में मुसलमानों में खूबी ये है कि इस्लाम की वजह से उनमें ये चीज़ें काफ़ी हद तक मतलब डिग्रेड हो चुकी हैं, मुश्किल है कि वो खुद को कुत्ता बना लें. मगर देखे इस तरह तो मुसलमान भी होते हैं मरीज दिमागी, आपके सामने हमारे माशरे में इधर उधर होते भी हैं, हमारे कई दोस्त भी हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, जो हमारे साथ पढ़ते थे, आज बेचारों का इस तरह हाल बना हुआ कि वो अपने चेहरे के बाल, आंखों के बाल, सब कुछ काट लेते हैं, और कभी चौक में खड़े होकर गाड़ियों को पत्थर मारते हैं, तो कभी खुद के साथ कोई ना कोई हत्या कर बैठते हैं. तो मकसद उनके साथ भी बहुत ज़्यादा है. भैया ये प्रॉब्लम तो होती है ना, रखो ना शू. नहीं नहीं, ये क्लियर है, कुछ नहीं आया. अब बात ऐसी है कि यार मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे भूख लगी है, चलते हैं यार वापस. अभी क्या टाइम हुआ है? 3 नहीं है मेरे पास, 3 हो गए हैं. 3 हो गए, चले चलते हैं. जुना महमद जी मकई एक एक गोता लगाते हैं और चलते हैं. ठीक है, तो गोते का क्या फायदा, इस तरह ही चलते हैं. इस तरह ही चलते हैं, कपड़े भी सूखे हुए हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं ना. नहीं, चले फिर. चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खुदा हाफिज़.